में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी दल कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी पार्टी विकास का पर्याय है जबकि कांग्रेस का मतलब विनाश। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के लोग विधानसभा चुनाव के बाद विपक्षी दल के नेताओं को घर में बैठा दें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही वंशवाद को समाप्त कर और विकासवाद की शुरुआत से देश की राजनीतिक संस्कृति बदल गई। उन्होंने कहा कि विकास का अर्थ भाजपा है, प्रगति का अर्थ भाजपा है, विनाश का अर्थ कांग्रेस है, प्रगति को रोकने का अर्थ कांग्रेस। नड्डा ने तुमकुरू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक और भाजपा और उसके नेता हैं जो विकास के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वे नेता कांग्रेस से हैं जो लोगों का ध्यान विकास से भटकाना चाहते हैं।